कुछ कलाकार एक खास मकसद के लिए बने होते हैं। ऐसे कलाकार कुछ किरदार इस तरह निभाते हैं जैसे वो उसी किरदार के लिए बने हो। वो इस किरदार में कुछ इस कदर रच बस जाते हैं कि दुनिया उन्हें उसी किरदार से जानने लगती है। ऐसा ही हुआ था रामानंद सागर की रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल और माँ सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया के साथ। लेकिन ये किरदार उनके इमेज पर इस कदर भारी पड़ते हैं कि उन्हें इससे इतर कोई रोल मिलने ही बंद हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी ही एक्ट्रेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो एक्ट्रेस जिसे फिल्मी पर्दे की देवी माना जाता है, जिसे लोग पूजते थे और आशीर्वाद लेने के लिए पैर छूते थे। किसी को उनमें माता सीता दिखती थी तो किसी को माँ संतोषी। सच यही है कि उन्हें इन्हीं माइथोलॉजिकल रोल से पैसा, रुतबा, शोहरत सब कुछ हासिल हुआ, लेकिन यही किरदार उनके करियर पर भारी पड़ गए। हम बात कर रहे हैं फिल्मी पर्दे की देवी अनीता गुहा की। वो अभिनेत्री जिसने एक जमाने में फिल्मी पर्दे पर पूरी शिद्दत से देवियों के किरदार निभाए, लेकिन उनका आखिरी समय बेहद दर्द भरे रहे। इनसे जुड़ी तमाम बातों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। अनीता गुहा का जन्म 17 जनवरी 1932 को कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुआ था। अनीता बला की खूबसूरत थी। 50 के दशक की शुरुआत में ही वो मिस कोलकाता बनी। इसके बाद वो साल 1952 में एक टैलेंट हंट शो करदार कोलिनोस में भाग लेने के लिए मुंबई आई। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री के लिए नए टैलेंट की खोज के लिए ये टैलेंट हंट शो बॉलीवुड और हॉलीवुड का जॉइंट एफर्ट था। ये शो बॉलीवुड फिल्म निर्माता अब्दुल रशीद करदार के स्टूडियो करदार स्टूडियो और हॉलीवुड के ली कैमरन ने मिलकर आयोजित किया था। अनीता गुहा इस शो की विजेता थी। अनीता गुहा के टैलेंट से प्रभावित होकर करदार ने उनके साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। लेकिन अनीता गुहा के वापस कलकत्ता पहुंचते ही उनके पास फिल्मों के ऑफर्स की लाइन लग गई। उन्होंने फिल्मों में डेब्यू साल 1953 में आई बंगाली फिल्म बाशेर खेला से किया। उस समय तक अनीता के पिता का देहांत हो चुका था और उनकी मां नहीं चाहती थी कि अनीता घर छोड़े। इसी वजह से अनीता को करदार के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना पड़ा। लेकिन अनीता का मन बॉलीवुड फिल्मों में काम करने के लिए हिलोरे मारता रहा। उन्हीं दिनों मशहूर चरित्र अभिनेता ओम प्रकाश अपनी डायरेक्ट की गई एक फिल्म के सिलसिले में कलकत्ता में थे। उनकी मुलाकात अनीता से हुई। उन्होंने अनीता को अपनी अगली फिल्म दुनिया गोल है ऑफर कर दी। ये फिल्म 1955 में रिलीज हुई, लेकिन इससे पहले ही उनकी एक और फिल्म तांगे वाली रिलीज हो चुकी थी। इसके बाद अनीता गुहा को फिल्में मिलने लगी, भले ही उनके रोल छोटे ही रहे। साल 1959 में रिलीज हुई फिल्म राजेंद्र कुमार अभिनीत गूंज उठी शहनाई में उनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया। इसी फिल्म के लिए उन्हें पहली और आखिरी बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। इसके बाद उन्होंने एक ऐसी फिल्म की जिसने उनके करियर का रुख मोड़ कर रख दिया। साल 1961 में रिलीज हुई फिल्म संपूर्ण रामायण में माता सीता के किरदार ने उन्हें घर घर तक पहुंचा दिया। लोग सच में उन्हें ही माता सीता मानने लगे। इसके बाद उन्हें ऐसे ही किरदार ऑफर होने लगे। श्री राम भरत मिलन, शंकर सीता अनुसुईया जैसी फिल्मों में भी माता सीता का रोल निभाया। इसके अलावा भी उन्होंने तमाम फिल्मों में देवियों के रोल निभाए। साल 1975 में उनकी एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिसमें महज 15 मिनट के किरदार ने उन्हें देवी बना दिया। फिल्म का नाम था जय संतोषी माँ, जिसमें उन्होंने माँ संतोषी का किरदार निभाया। इस फिल्म ने कामयाबी के ऐसे झंडे गाड़े थे कि लोग बसों और बैलगाड़ियों में भर भर कर शहर इसी फिल्म को देखने जाया करते थे। लोग उन्हें सच में देवी मानने लगे थे। वैसे भी तब तक माँ संतोषी जैसी किसी देवी के बारे में बहुत कम ही लोग जानते थे। जिसने भी अनीता गुहा को इस फिल्म में देखा उन्हें ही माँ संतोषी मान बैठा। सिनेमा हॉल में घुसने से पहले लोग अपने चप्पल बाहर ही उतार दिया करते थे और फिल्म चालू होने से पहले ही हाथ जोड़कर बैठ जाते। अनीता के घर पर उनसे आशीर्वाद लेने के लिए लोगों का जमावड़ा लगा रहता। इस फिल्म ने उनके करियर को वो बुलंदियां बख्शी जिसे वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। इस फिल्म की शूटिंग उन्होंने 12-15 दिनों में कर ली थी। इससे जुड़ा एक किस्सा भी है। दरअसल इस फिल्म से पहले ज्यादातर लोगों की तरह वो भी माँ संतोषी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। जब पहले दिन की शूटिंग चल रही थी तब वो किसी वजह से लंच नहीं कर सकी।
जब उनसे शाम को खाने के लिए पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आज उनका व्रत है। इसके बाद जब भी वो इस फिल्म की शूटिंग करती व्रत ही रहती। वो लोगों के लिए सच में देवी बन चुकी थी। अपने 40 साल के करियर में उन्होंने 40 से ज्यादा पौराणिक फिल्में की, लेकिन विडंबना ये है कि जिन पौराणिक किरदारों ने उन्हें इतना लोकप्रिय बनाया, बाद के दिनों में उन्हें उसी से चिढ़ हो गई। असल में अब उन्हें बस पौराणिक किरदार ही ऑफर होने लगे, जबकि वो कुछ अलग करना चाहती थी। लेकिन यही बॉलीवुड है, बनी बनाई इमेज से बाहर निकलना यहाँ सबसे मुश्किल काम है। जब उन्होंने ऐसे किरदारों से तौबा कर ली तो उन्हें फिल्में मिलनी ही बंद हो गईं। हालांकि उनका फिल्मी करियर काफी लंबा रहा, लेकिन उन्हें वो कामयाबी नहीं मिल पाई जिसकी सही मायनों में वो हकदार थी। साल 1991 में आई फिल्म लखपति उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई। खूबसूरत तो वो थी ही, मेकअप करने का शौक भी बचपन से ही था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि मेकअप के चलते ही स्कूली दिनों में उनकी पिटाई हो जाया करती थी, लेकिन जीवन में एक मोड़ ऐसा भी आया जिससे उन्हें मेकअप से ही नफरत होने लगी। असल में उन्हें ल्यूकोडर्मा हो गया था, जिसके चलते उनके बदन पर सफेद दाग हो गए थे। वो नहीं चाहती थी कि कोई इस बारे में जाने, इसलिए वो अक्सर घर में ही कैद रहने लगी। लेकिन जब भी उन्हें बाहर निकलना होता वो हैवी मेकअप करके निकलती। जिस मेकअप को वो शौक में किया करती थी उन्हें वही मजबूरी में करना पड़ा। सफेद दाग से वो इतना परेशान हो चुकी थी कि उन्होंने अपने करीबियों से ये भी कहा था कि उनके अंतिम संस्कार से पहले उनका मेकअप किया जाए, ताकि लोगों की नजर सफेद दागों पर ना पड़ पाए। उनकी ये आखिरी इच्छा पूरी भी की गई। अनीता गुहा की शादी मानिक दत्ता से हुई थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। ये बात उन्हें आखिर तक सताती रही कि जिसे पूरी दुनिया माता सीता और माँ संतोषी मानकर पूजता है, वही माँ नहीं बन सकी। उनके पति की मौत के बाद वो एकदम अकेली हो गई। 20 जून 2007 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। जाहिर तौर पर अनीता गुहा का करियर इस बात का गवाह है कि कैसे टाइप कास्टिंग किसी को भी करियर में उस तरह से फलने फूलने का मौका नहीं देता जिसका वो सही मायने में हकदार है। इस पूरे वीडियो पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।